किरण शिकार मामले में जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रविंद्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। जज जोशी ने फैसला सुनाने में जल्दबाजी न करते हुए केस का अध्ययन करने में एक घंटे का अतिरिक्त समय लिया। बता दें कि अब यह जेल से बाहर आ सकेंगे। सेशन कोर्ट के इस आदेश की कॉपी सीजेएम अदालत में भेजी जाएगी, जिसके बाद सलमान की रिहाई का आदेश जोधपुर सेंट्रल जेल को भेजा जाएगा और उन्हें रिहा किया जाएगा। सलमान खान के वकील ने बताया कि सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी की अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। वह आज शाम तक ही जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले कोर्ट रूम में सलमान के वकील और सरकारी वकील ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, जिसके बाद जज जोशी ने लंच के बाद फैसला सुनाने की बात कही थी। बता दें कि सुबह 10:30 बजे कोर्ट लगने के साथ ही जज ने दोनों ही पक्षों को फिर से अपनी दलीलें रखने के लिए कहा। इस दौरान सलमान के वकीलों ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। सलमान हर पेशी पर आए हैं। आर्म्स एक्ट मामले में भी उन्हें निर्दोष ठहराया गया था, ऐसे में उनकी सजा सस्पेंड की जाए। वहीं सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामला अन्य केसेस से अलग है और इसमें प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, ऐसे में सलमान को जमानत ना दी जाए क्योंकि वो देशी हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज रविंद्र जोशी ने कुछ देर रुककर कहा कि उनका ट्रांसफर हो चुका है, ऐसे में वो केस को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकते, लेकिन जमानत को लेकर फैसला लंच के बाद सुनाएंगे। जज के ट्रांसफर के बाद सस्पेंस बना हुआ था कि क्या जज रविंद्र जोशी ही सलमान पर फैसला देंगे या फिर किसी अन्य जज को केस ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले जब जज रविंद्र जोशी कोर्ट स्थित अपने चेंबर में मौजूद थे, तब यहां उनसे मुलाकात करने के लिए सीजेएम कोर्ट के जज खत्री भी पहुंचे। जज खत्री ने ही सलमान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। मालूम हो, राजस्थान में शुक्रवार रात एक साथ 87 जजों के तबादले कर दिए। इनमें जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रविंद्र कुमार जोशी भी हैं। उनकी जगह चंद्रशेखर शर्मा को सेशन जज बनाया गया है। बता दें कि जोधपुर के कांकाणी गांव में 20 साल पहले दाए काले हिरणों की हत्या के मामले में अभिनेता सलमान खान गुरुवार को दोषी करार दिए गए। सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 5 साल जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सैफ अली खान, तबू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ मिला। सभी भरी कर दिए।